हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। व्रत के दिनों में हम सोचते हैं कि हम क्या बनाएं व्रत के अकॉर्डिंग, तो आज आपके लिए मैं कच्चे केले की सब्जी लाई हूँ। आपने तरह तरह की सब्जियाँ खाई होगी, आलू की खाई होगी व्रत के दिनों, मगर मैं आपके लिए कच्चे केले की सब्जी, जिसको आप भुजिया भी कह लो, वो लेकर आई हूँ, जिसे आप सहगार की पूड़ी के साथ आप खा सकते हैं व्रत के दिनों। तो चलिए हम बनाते हैं ये सब्जी। कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और कढ़ाई में हम घी डालते हैं, क्योंकि व्रत के लिए हम बना रहे हैं। तो आप इसमें देसी घी, एक बड़ा चम्मच आप देसी घी डाल दें, और जब ये गरम हो जाए तो इसके अंदर आप जीरा डाल दें, हाफ स्पून जीरा डाल दें, और ये गरम हो जाए इसके अंदर अब हम हरी मिर्च डाल देते हैं, कटे हुए हरी मिर्च डाल देते हैं। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। इसके अंदर हम धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं और लाल मिर्च। हरी मिर्च ऑलरेडी हमने डाला है, आप लाल मिर्च इसके अंदर भी डाल सकते हैं, और इसे भून लें। और ये लास्ट में हमने ये जो केले कट किए हुए कच्चे केले हैं, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था, उसे डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कच्चे केले को अच्छी तरह से हमने क्रिस्पी कर लिया, ये ऑलरेडी उबले हुए थे। इसके अंदर अब हम सेंधा नमक डालेंगे। हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए आप इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट हाफ स्पून हमने सेंधा नमक डाला है, और इसे भून लेते हैं। अब आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ये लाल हो रहा है। लास्ट में इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, और हाफ आप ये लेमन जूस ले लें और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं। कच्चे केले की सब्जी बिल्कुल आप देखेंगे एकदम आलू की सब्जी लग रही है, और ये देखिए बिल्कुल लाल हो गया है। क्रिस्पी कर ले, आपको जितना क्रिस्पी करना आप क्रिस्पी कर सकते हैं। आप ये देखें इस तरह हो गया, ये बनकर रेडी हो गया है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। व्रत के दिनों में हम ये केले की सब्जी बनाएं, बहुत ही टेस्टी सब्जी है, और इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।